राजस्थान की राजनीति में दो ऐसे चेहरे हैं जो यूथ राजनीति से निकले हैं, या कहे कि छात्र राजनीति से निकले हैं। ये दोनों ही नेता अपने अपने इलाके में तो दमखम रखते ही है, इसके साथ ही ये नेता पूरे प्रदेश के युवाओं पर भी अपना प्रभाव रखते हैं। और ऐसे में जब बात छात्र राजनीति की हो, छात्र संघ चुनाव की हो, तो फिर इन दोनों नेताओं का एक साथ आना छात्रों की आवाज को बुलंद करता है। इनमें से एक नाम है रविंद्र सिंह भाटी का और दूसरा नाम है मुकेश भाकर का। विधानसभा में दोनों ही नेताओं ने छात्र संघ चुनाव के लिए आवाज बुलंद की हुई है। सबसे पहले सुनिए कैसे मुकेश भाकर ने उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा को कैसे आड़े हाथों लिया और कहा कि अगर आप छात्र संघ चुनाव करा देंगे तो आपको ही राजस्थान का युवा मुख्यमंत्री मान लेगा। हम तो प्रेमचंद जी को मुख्यमंत्री मान लेंगे। भाजपा ये कहती है कि हमारी सरकार ने बंद किए, वो अगर छात्र संघ चुनाव की बात नहीं करेगा तो वो अपने साथ अपनी जनता के साथ न्याय नहीं कर रहा। उच्च शिक्षा की बात है, हम सब अगर इस सदन में जितने लोग छात्र राजनीति से आकर बैठे हैं, वो अगर छात्र संघ चुनाव की बात नहीं करेगा तो वो अपने साथ अपनी जनता के साथ न्याय नहीं कर रहा। आज छात्र संघ चुनाव बंद है, भाजपा ये कहती है कि हमारी सरकार ने बंद किए, तो हमने भुगता, हम विपक्ष में बैठ के आकर, आप लोग सत्ता में हैं और उप मुख्यमंत्री जी इसके इस डिपार्ट, ये जो डिपार्टमेंट आपके पास है उच्च शिक्षा का, आप कुछ ताकत दिखाओ, हम ही आपको मुख्यमंत्री मान लेंगे। राजस्थान का जो युवा है वो कह रहे हम तो प्रेमचंद जी को मुख्यमंत्री मान लेंगे। आप अपनी ताकत को परखो और ये चुनाव आप चालू करवाओ, और हम तो ये मानेंगे कि सरकार में से किसी ने मदद नहीं की, सिर्फ प्रेमचंद जी बैरवा उप मुख्यमंत्री, उन्होंने ये चुनाव शुरू करवा दिए, क्योंकि आप भी इस विश्वविद्यालय में से निकले हुए हैं। वहीं रविंद्र सिंह भाटी लगातार छात्र संघ चुनाव कराने के लिए मुखर है, वो लगातार छात्र संघ चुनाव की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन शायद बीजेपी सरकार को लगता है कि अगर छात्र संघ चुनाव करवाए गए और इसके परिणाम विपरीत आए तो फिर सरकार की फजीहत होगी और आने वाले वक्त में उपचुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा, इसलिए वो चुनाव कराने के मूड में नजर नहीं आ रहे। लेकिन भाटी ने कैसे शायराना अंदाज में अपने इरादे साफ कर दिए, ये देखिए। समस्या ज्यादा है, 8 करोड़ की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले ये तमाम लोग जो आज आपसे निवेदन कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2027-28 तक आने वाले 5 साल बाद तक हमारे पास 70 लाख बेरोजगारों की एक फौज तैयार हो जाएगी। उसके लिए हमें सोचना होगा, नए संसाधनों को तैयार करना होगा। सरकारी आंकड़े और फोर्ब्स की रिपोर्ट कह रही है कि 88 लाख आज के समय में बेरोजगार हैं। समस्याएं खूब है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी पूरी मेहनत करके इस समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, छात्र संघ चुनाव जरूर कराया, बड़ा मन है आपने। भाटी और मुकेश भाकर ने जिस अंदाज में छात्र संघ चुनाव की वकालत विधानसभा में की है, अगर ऐसी ही वकालत आने वाले वक्त में सड़कों पर उतर कर सके तो चुनाव जरूर होंगे। अगर ये विधानसभा तक ही सीमित रहे तो फिर चुनाव की संभावना ना के बराबर है। हालांकि इन दोनों ही नेताओं का जनाधार छात्रों से जुड़ा है और युवाओं से जुड़ा है, ऐसे में छात्रों के साथ खड़ा रहना इनके लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।